नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राज, आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर मौज वंश यानी मौज डायनेस्टी। मौज डायनेस्टी में भी आज हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौज के बारे में, जो कि मौज वंश का स्थापना किए थे, स्टेबल इन मौज डायनेस्टी। चंद्रगुप्त ऐसे तो मौज वंश में तीन शासक प्रतापी हुआ, जो है चंद्रगुप्त मौज जो मौज वंश का स्थापना किए, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक यानी द ग्रेट अशोक, उसी को हम लोग इतिहास में हिस्ट्री में द ग्रेट अशोक के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौज और बिंदुसार के बारे में तो कुछ थोड़ा थोड़ा जानना है, लेकिन अशोक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा यानी बृहद तौर पे जानना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अधिकतर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग बनाते होंगे आपको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं मौज वंश के संस्थापक, जैसा कि आपको बताएं मौज वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौज हुए। चंद्रगुप्त मौज का जन्म 345 ईसा पूर्व में यानी BC में हुआ, ईसा पूर्व में जन्म हुआ 345। तो वहीं पे चंद्रगुप्त मौज ने 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठे। तो आपको ये बात आपको जानना होगा, जरूरी है कि आपको दिल्ली सल्तनत हो या जितना भी महल है उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है, जैसे हुमायूं का मकबरा हुआ, उसके बाद दिल्ली में लाल किला हुआ, उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है, लेकिन क्या कारण है कि मौज वंश के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलता है? कारण ये है कि उस समय का जितना भी महल था सब लकड़ी का बना हुआ था, और बारिश और धूप के कारण वो लकड़ी का महल सब धीरे धीरे खत्म होता गया, इसीलिए उस समय का महल हमको पता नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि चंद मौज वंश में महल या कोई भी चीज़ किस चीज़ का बना होता था, तो लकड़ी का। उस समय का महल होना हो चाहे कुछ भी हो, पूजा स्थल हो, सभी चीज़ लकड़ी का बना होता था। तो वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में सेल्यूकस को हराया। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से प्रभावित होके अपनी बेटी हेलना को हम लोग काइनेलिया के नाम से भी जानते हैं इतिहास में, वो अपनी सेल्यूकस ने कहता अपनी बेटी काइनेलिया के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। उसके प्लूटो के अनुसार 500 हाथी सेल्यूकस निकेतन ने चंद्रगुप्त मौज को उपहार स्वरूप दिया, और चार प्रांत भी उपहार स्वरूप दिया। तो वहीं पे सेल्यूकस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौज का, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौज के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे, आप घनानंद ने चाणक्य को बीच भरी सभा में अनादर किया था। वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, यहाँ एक चीज और देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तो उसके गुरु जो थे भद्रबाहु थे। तो वहीं पे मेगास्थनिक सेल्यूकस निकेतर का राजदूत था, मेगास्थनिक जो था सेल्यूकस निकेतर का राजदूत था। सेंट्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम था सेंट्रोकोटस, उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य का सेंट्रोकोटस नाम विलियम जोन्स ने ही पता किया था। तो वहीं पे चाणक्य का आपका तीन नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौज ने जीत लिया था, गुजरात महाराष्ट्र और मालवा को चंद्रगुप्त मौज ने जीत लिया था। तो वहीं दक्कन को भी चंद्रगुप्त मौज ने जीत लिया था। तीर्थ कहलाते थे मौज काल में, सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, जैसे अभी हम लोग सबसे ऊंचे अधिकारी यानी DM लेवल के अधिकारी को हम लोग तीर्थ कहते थे मौज काल में। तो वहीं पे तो ये हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन को भी जीत लिया था। हाँ, बुलंदी बाग नामक स्थान जो है प्राचीन स्थान पाटलिपुत्रा में था। तो वहीं पे मैक्यावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस, मैक्यावेली की ही थी। तो वहीं पे भूमि मापक अधिकारी को रज्जु कहते थे, उस समय के जो भूमि मापते थे उनको हम लोग रज्जु कहते थे। तो वहीं पे चंद्रगुप्त मौज का मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गया। तो 298 ईसा पूर्व के बाद उनके बेटा बिंदुसार ने मौज वंश को संभाला। तो वहीं एक चीज और जान जाइए कि चाणक्य, जिसे इतिहास में हम लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहते हैं, तीनों एक ही नाम है, इनका एक इंपॉर्टेंट पुस्तक था अर्थशास्त्र, जो